हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज मैं आप लोग के सामने लाया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कोरल। जितनी भी डिजाइनें बनती हैं, चाहे वो टी शर्ट पे डिजाइंस हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर, फ्लैग्स या किसी भी प्रकार का डिजाइन हो, वो बनाए जाते हैं कोरल में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो बनाए जाते हैं कोरल में। मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कोरल में किस प्रकार से लोगो बनाते हैं। 2 मिनट में आप सीख जाएंगे कि लोगो किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अत्यधिक यदि आपको वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और बहुत टाइप के वीडियो हैं जिसमें अच्छी वीडियो बनाई गई हैं, आप उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने दिख रहा होगा, और सबसे पहले मैं ओपन करूँगा कोरल। ठीक है, कोरल ओपन करने के लिए आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो विंडो प्लस आर, यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ मैं टाइप करूँगा कोरल DRW। हालांकि सबके सामने, आपके सामने ओपन है तो कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएँ। तो इस तरीके से आप टाइप करेंगे और ये कोरल आपके सामने ओपन हो रहा है। तो ये जो तरीका है, इसे रन कमांड के माध्यम से बोलते हैं, इसका नाम है एग्जीक्यूशन। जो भी रन कमांड में नंबर या नेम डालते हैं उसे एग्जीक्यूशन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो कोरल का जो फ्रंट व्यू आपके सामने ओपन हुआ है, इसे बोलते हैं कोरल क्विक स्टार्ट। तो हम यहाँ से एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं जो डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आपको बताता है कि ये जो नेम है पेज का वो अनटाइटल्ड है, और जो प्रेसेट डेस्टिनेशन है वो कोरल डॉट डिफ़ॉल्ट है, है ना। साइज़ जो होता है वो लेटर है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साइज़ और डायमेंशन में बहुत डिफरेंस होता है, है ना। अगर आप कहीं दुकान पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया ऐसा है कि A4 साइज़ का, ऐसा तो नहीं बोलते कि 8.69x11.69x का प्रिंट आउट निकाल दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं आप, है ना। तो साइज बोला जाता है, साइज किसी एक नाम से जाना जाता है, किसी एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। जैसे कि साइज A4 साइज, पासपोर्ट साइज, B5 साइज, ये सारे साइजेस हैं। हाँ, जो उसके हाइट विड्थ होते हैं, जो लंबाई चौड़ाई होती है, उसको डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो विड्थ 8.5 है, हाइट 11 इंच है। ठीक है, इसको जो मेजरमेंट है वो इंचेस में की जा रही है। तो पेज मुझे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लेना है, वो मेरे यहाँ से सारी चीज़ें सेट कर लूँगा। DPI मुझे 300 रखना है, तो मैं 300 पे DPI में क्या करूँगा, सेट कर लूँगा, और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो पेज मेरे सामने खुल के एक सामने आ जाएगा। अभी प्रोसेसिंग में ले रहा है, ये पेज हमारे सामने खुल के आ गया। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि SBI का लोगो बनाते कैसे। SBI बैंक आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चर्चित बैंक हैं, है ना। तो उसमें लोग काम से ज़्यादा आराम ही करते हैं। डोंट माइंड, इस पे माइंड मत के, मैं एक छोटा सा मजाक किया मैंने। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि मैं एक सर्कल लूँगा। आप यदि सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विदाउट कोई की प्रेस किए, आपको लग रहा है कि ये सर्कल एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं इसको गलत साबित कर सकता हूँ। कैसे, आप क्या करेंगे, पॉइंटर टूल लीजिए, आप इस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए और इसको घुमाइए। देखिए, सर्कल आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि वो अंडे टाइप जैसा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। समझ में आ रही है आपको सारी चीज़ें, तो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। तो मुझे एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा एलिप्स टूल और कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक दबा के माउस को ट्रैक करूँगा। उसके बाद माउस को लेफ़्ट क्लिक को छोड़ूंगा, उसके बाद कंट्रोल छोड़ूंगा। अब आप लेंगे पिक टूल, उसके बाद आप डबल क्लिक करिए या सिंगल क्लिक करिए, उसके बाद आप इसको रोटेट करिए। देखिए, आपको हल्का सा भी फ़र्क नहीं समझ में आएगा कि ये आपका गोल सर्कल नहीं है, ये एकदम गोल सर्कल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना लिया, तो फिर मुझे एक और सर्कल चाहिए। तो यदि आपको एक के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक, जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक आप दबाएंगे और अंदर की तरफ आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को इस तरीके का।
जब आप शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, आपको यदि डबल बनाना है, जैसे कि एक सर्कल बड़ा है एक सर्कल मुझे छोटा बनाना है, तो राइट क्लिक में दबाऊंगा तभी लेफ़्ट क्लिक को छोड़ूंगा। जैसे मैं राइट क्लिक दबाता हूँ आप देख रहे होंगे पॉइंटर पे प्लस का सिंबल बन गया है, ठीक है। तो प्लस का सिंबल बन गया तब मैं लेफ़्ट क्लिक को छोड़ूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा। तो देखिए एक डबल आपका सर्कल बन गया, एक छोटा एक बड़ा। देन मैं अब लूँगा रेक्टेंगल टूल और एक पतला सा इस प्रकार का रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इसको ऊपर मैं इस तरीके का रखूँगा थोड़ा सा चढ़ाकर। फिर मैं क्या करूँगा, पिक टूल लूँगा और इसको इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करूँगा। मैं बड़े वाले सर्कल को सिलेक्शन नहीं करना है, बड़े वाले सर्कल को सिलेक्शन नहीं करना है आपको, छोटे वाले सर्कल को जो रेक्टेंगल मैंने पतला से डंडी टाइप का बनाया है उसको सिलेक्शन आपको करना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वेल्ड है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वेल्ड करेंगे। वेल्ड का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना। अब जैसे वेल्ड करेंगे तो ये आपका जुट गया, आप देख रहे हैं है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे सिलेक्शन करना है दोनों ऑब्जेक्ट को, मतलब जो तीन ऑब्जेक्ट था अब वो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्शन करना है और उसके बाद आपको यहाँ से ट्रिम कर देना। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है इस तरीके का। तो आप देख रहे हैं ये अब SBI के जो लोगो है वो बन के आपके सामने पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरीके के लोगो आप बना सकते हैं कोरल में। और भी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फुटबॉल बनाना हुआ या कोई भी लोगो टाइप का बनाना हुआ या HDFC का लोगो बनाना हुआ, बहुत सारे लोगो हैं है ना, तो मैं वन बाय वन मैं सिखाऊंगा। यदि जो भी लोगो आपको बनाना है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस लोगो को बना के दिखाऊंगा। पहले मैं एक फुटबॉल आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरीके का फुटबॉल आप कोरल में बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा, इस तरीके का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा और इसकी मैं कॉपियाँ कर लूँगा। हमने बताया था राइट क्लिक दबाना है तब लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है, उसके बाद कंट्रोल R रिपीट का शॉर्टकट की होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पिक टूल लेना है और कलर करना है इस तरीके का। इस तरीके से आपको कलर करते हुए जाना है, पहला ब्लैक, फिर ब्लैक, ये मैं दो छोड़ छोड़ के क्यों कर रहा हूँ कलर, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस तरीके का आपको करना है और फिर इसको पूरे को सिलेक्शन कर लेना है और इस तरीके से मैनेज करना है कि वो ब्लैक ब्लैक कलर मैच नहीं होना चाहिए इस तरीके का। देखिए कलर मैच नहीं है, इस तरीके का आपको रख लेना है कि ताकि ब्लैक और ब्लैक कलर एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए, दूसरे दूर दूर पे थोड़ा होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से कई सारे ऑब्जेक्ट बना लूँगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये वीडियो आप ही लोग के लिए लाया जा रहा है। और तो एक सर्कल इसके ऊपर बना लेना है, ठीक है, एक सर्कल आपको कंट्रोल के साथ बना लेना है। कंट्रोल के साथ बनाने के बाद आपको क्या करना है कि फुटबॉल का जो साइज शेप है वो आपको देख लेना है कि कैसे मुझे रखना है। सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, Alt+F3 क्या दबाना है, Alt+F3, या फिर आप इफ़ेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा लेंस, दिख रहा है लेंस, लेंस में आपको जाना है। देन आपको लेंस में जाने के बाद यहाँ पे कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, इसको डॉकर बोला जाता है, ठीक है। लेंस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नो लेंस इफेक्ट, तो आपको इसमें जाना है। यहाँ पे कस्टम कलर मैप, क्या ले लेना है, कस्टम कलर मैप, यहाँ पे कस्टम कलर मैप पे इस तरीके से क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फुटबॉल की छवि जो है वो दिखाई दे रही है। फिफोर्जन और वी पॉइंट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है लेंस को, आपको लेंस डॉकर है उसको क्लोज कर देना है। देन आपको लेना है पिक टूल और इसको उठा के यहाँ रख देना है। ये आप देख रहे हैं
आपके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया सबको डिलीट कर देना है। अब आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट फुटबॉल बन के जो है वो रेडी हो गया है। मैं इसका शेडो थोड़ा बना देता हूँ इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके के डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह हैं, मैं आप लोग को लंबा वीडियो नहीं दिखाना चाहता ताकि आप लोग बोर ना हो। मैं पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाता रहूँगा। अगर इस प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे सॉरी इस प्रकार के यदि डिज़ाइन अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।